गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का। तो ये देखिए, आज मैं रात के खाने में ये खोए का पराठा बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने खोए को मिक्स कर लिया है और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया है। तो ये देखिए, मैं इसका भी पराठा बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं कम से कम 3 चम्मच डालूंगी ये देखिए। तो ये देखिए, मैंने 4 चम्मच इसमें डाला है और मैं इसको, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पराठा बना लिया। ये बन रहा है, तब तक मैं दूसरा तैयार करती हूँ। ये देखिए, इसमें भी मैं खोए को डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर तक भर दिया है। ये देखिए, और जब तक मैं इसमें ज़्यादा नहीं भरती हूँ तब तक अच्छा नहीं लगता है। और इधर मेरा पराठा सीक गया है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा दूँगी। ये देखिए, ये देसी घी है फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा थोड़ा सा घी। ये देखिए, मैं इस तरीके से घी को लेती हूँ और फिर गिरा देती हूँ, फिर उसके बाद लगाती हूँ। तो थोड़ा सा चम्मच में रह जाता है वही। तो देखिए, मेरा दूसरा पराठा भी बिल्कुल भर के तैयार है और ये मेरा अब रेडी है। तो ठंड के दिनों में फ्रेंड्स, खाने का बहुत ही मज़ा रहता है। कुछ भी, कभी सत्तू भर के, कभी खोया भर के, कभी मटर भर के, कभी आलू भर के, कुछ भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, खोए का पराठा मैं बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। खोए का पराठा बिल्कुल गुजिया का टेस्ट लगता है और मैं अक्सर बनाती हूँ। देखिए, तो आप भी बना के ज़रूर खाएं खोए का पराठा। तो इसको थोड़ा सा लाल लाल जब करते हैं तभी ये अच्छा लगता है, बिल्कुल जैसे खाने में गुजिया ही लगता है। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने खोया में चीनी भी डाला है, और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी तो उसमें चीनी नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, और मैं अपने लिए भी बनाऊंगी तो चीनी डालूंगी क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो ये देखिए, खोए का पराठा बन के बिल्कुल रेडी है। तो आइए, आप लोग भी खा लीजिए
और कैसा लगा मेरा खोए का पराठा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड नाइट।